वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस एसबीटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो ये मैनेजमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख रहे होंगे लिखा हुआ है। जो मैनेजमेंट है उसका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस फर्म प्रोड्यूस एंड सप्लाई वाइड वेराइटीज ऑफ गुड एंड डेस रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सर्विस। सर्विस जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। द ईयर 1991 इज फेमस फॉर, 1991 क्यों फेमस है? ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लिबरलाइजेशन वाज एक्सेप्टेड बाय इंडिया। इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट। तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश प्रोड्यूस कम्स अंडर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो डैश प्रोड्यूस कम्स अंडर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री किसके अंदर होता है? तो प्लास्टिक। इसके अंदर क्या होता है? तो प्लास्टिक बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर बना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनेजमेंट कॉजेज, मैनेजमेंट का कॉजेज क्या है? मिसकम्युनिकेशन, वेस्ट ऑफ रिसोर्स, मिस कोऑर्डिनेशन। तो इसका क्या होगा? तो ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्किल इज नीडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन। क्यों पड़ती है? देखिए, स्किल इज नीडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्किल की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज द रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट पैलेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप क्वेश्चन यूनिट 4 में पढ़े होंगे, राइट पीपल, राइट नंबर, राइट पैलेस। तो इसमें क्या होता है? स्टाफिंग के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? स्टाफिंग के लिए होता है। डैश इज रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट पैलेस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग के लिए होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलिसी मेकिंग इन एन इंडस्ट्री इज अ रोल ऑफ। पॉलिसी मेकिंग जो होता है इंडस्ट्री में वो क्या रोल करता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सो रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क ऑन, साइंटिफिक मैनेजमेंट किस काम करता है? रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे काम करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। किस चीज़ पे काम करता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज स्पिरिट डी क्रॉप्स। तो क्या होगा? इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये? ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत, एक थ्योरी है, ठीक है, मैनेजमेंट की। किसकी थ्योरी है? मैनेजमेंट की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड। जो वैसा प्रोसेस जिसमें मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग और करेक्टिंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंट्रोलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग। या फिर वैसे प्रोसेस जिसमें मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए जॉइंट वेंचर कैन बी डिफाइन अस। जॉइंट वेंचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जॉइंट वेंचर कैन बी डिफाइन अस टू फर्म्स कोलाबोरेट विथ ईच अदर एन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए,
ग्रुपिंग इज़ द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग इज़ द एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस इंटू वेरियस यूनिट इन इंटरफेयर्ड एज डिपार्टमेंशन। क्या होगा ऑप्शन बी डिपार्टमेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश कैन बी डिफाइन एज रनिंग बिजनेस बाय अ सिंगल ओनर। कौन सा इसमें जो है डिफाइन करता है रनिंग बिजनेस को, जो सिंगल ओनर के द्वारा होता है चलाया जाता है, तो प्रॉपर्टीओशिप, ठीक है, टर्नशिप, सॉरी प्रोप्रिएटरशिप। थोड़ा सा इसका जो है प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। विच आर फैक्टर इन विच स्पेन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स, क्या है, विच आर फैक्टर इन विच स्पॉन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स। तो इसमें जो हो जाएगा ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस, सबॉर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर। तो ये जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज प्रेजेंट इन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप्रिएटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अचीवमेंट ड्यू टू वन विल बी शेयर्ड बाय ऑल अदर्स, दिस हैपन इज, तो हो जाएगा जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप दोनों। अचीवमेंट ड्यू टू वन विल बी शेयर्ड बाय ऑल अदर्स, दिस हैपन्स इन जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए फैक्टराइज एक्ट कम इन, फैक्टराइज एक्ट कब बना था, तो 1949 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, VAT एंड सेल्स टैक्स फॉल्स अंडर, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। द नेसेसरी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयर्स, द नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेफ्टी मैनेजमेंट डील्स विथ, सेफ्टी मैनेजमेंट जो डील्स विथ क्या होता है, कार्य करता है प्रिवेंशन ऑफ एन एक्सीडेंट, ये जो है सो एक्सीडेंट के जो है सो बचाता है, ठीक है, इसलिए हम सेफ्टी जो है जो प्रिकॉशन लेते हैं। कोलैप्स ऑफ क्रेन इज अ कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, अंडर विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट इट कम, तो ये होता है कोलैप्स ऑफ क्रेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट किसके कारण होता है, तो मैकेनिकल कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, मैकेनिकल कॉजेज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय अ कंपनी टू परचेज बिल्डिंग फॉर स्टार्टिंग द कंपनी इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, जो है इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड जो है सो पूंजी होता है। क्वेश्चन नंबर है 24, वेरियंस रिपोर्ट इज द डिफरेंट बिटवीन आउटकम ऑफ द कंपनी, क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, या फिर प्लान बजट एंड एक्चुअल बजट, तो ये होता है प्लान बजट एंड एक्चुअल बजट, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरियंस रिपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम ऑफ द कंपनी प्लान बजट एंड एक्चुअल बजट में, विच इज द इनपुट ऑफ MRP, MRP का इनपुट क्या है, तो है करेंट फोरकास्टिंग, बिल ऑफ मटेरियल, ऑन हैंड इन्वेंट्री, तीनों है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैल्यू एडेड टैक्स वेट इज अ टैक्स ऑन, बताए थे उस टाइम इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विस GST टाइप का ये टैक्स है।
इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज आर, इंटरनल सोर्स फाइनेंस का होता है उसे क्या बोलते हैं, डिफर्ड टैक्सेशन शेयर्स डिबेंचर्स। तो ये जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट अ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू विच कौन से एक्ट के तहत जो बिजनेस है वो बैलेंस शीट पे रिक्वायर्ड हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। तो ये हो जाएगा कंपनीज एक्ट, ठीक है। जितना भी इकोनॉमिक्स करता है उसको एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो उसी पर जो है ये रिक्वायर्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे थे, इससे थोड़ा आगे था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इनमें से कौन सा पार्ट होता है? तो मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है इनोवेटरी मैनेजमेंट। इनोवेटरी मैनेजमेंट को जो है ये एक मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ईआरपी, कौन सा जो है फीचर नहीं है ईआरपी का? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉमन डाटाबेस और डिपार्टमेंटल एक्सेस, ये सब नहीं है। डिफरेंट लुक फॉर ईच मॉड्यूल, यही जो है सो ईआरपी का जो है सो पार्ट है। सॉरी, इसमें है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ईआरपी। तो ये जो है डिफरेंट लुक फॉर ईच मॉड्यूल, ये जो नहीं है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉमन डाटाबेस और डिपार्टमेंटल एक्सेस, ये ईआरपी का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू बिल ऑफ लीडिंग वेयर गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय अ कैरियर फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लीन बिल ऑफ लीडिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ई ओ क्यू कोस्ट, कोस्ट टी इज इक्वल टू यूनिट प्राइस एक्स एनुअल कंजप्शन वॉल्यूम। तो ये जो ई ओ क्यू डैश जो दिया हुआ कोस्ट टी, तो ये हो जाएगा कंजप्शन, क्या हो जाएगा कंजप्शन। इन ई ओ क्यू डैश कोस्ट टी यूनिट प्राइस एक्स एनुअल कंजप्शन वॉल्यूम, एक्स जो है एनुअल कंजप्शन वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का एम, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई जो है यही मटेरियल मैनेजमेंट का एम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए टाइप ऑफ आइटम हैज़ डैश इम्पोर्टेंट ड्यू कंजप्शन। ए टाइप ऑफ आइटम हैज़ डैश इम्पोर्टेंस ड्यू टू कंजप्शन, क्या होता है 70-80% कंजप्शन होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ड्यू टू कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए बजट इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस द यूनिट इटिमाइज्ड इन द प्रोडक्शन बजट। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ए बजट इज यूज टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ लेबर आवर दैट विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस द यूनिट्स इटिमाइज्ड इन द प्रोडक्शन बजट। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैविटी ऑफ कंट्रोल इन सिक्स सिग्मा रिफर्स टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिटरमाइंस वैल्यू कंट्रोल नीडेड एंड वैलिड थेम्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो क्वालिटी ऑफ इनोवेटरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द एक्चीव क्वालिटी वी रिक्वायर, एक्चीव क्वालिटी में क्या रिक्वायर होता है, ऑल ऑफ द अबव, क्या क्या देख लीजिए, क्लोज कोऑपरेटिव बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, कमिटमेंट एंड एनवायरनमेंट इन विच क्वांटिटी कैन फ्लोरिश।
क्वेश्चन नंबर 40 है, बेंच मार्किंग डिटरमाइन होता है स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, टॉप एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्या होगा, ड्यूपोंट इंडिया, ऑप्शन सी। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, बाइंग, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है बाइंग गुड्स एंड सेलिंग देम विदाउट एनी प्रोसेसिंग, बिना कोई प्रोसेसिंग के जो हम खरीदते और बेचते हैं उसी को ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, जैसे कपड़ा हुआ, देखते होंगे। प्रोसेसिंग हम जो कर दिए उसे क्या बोलते हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस, आप ICC का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट क्लब, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, LIC होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैक्स होगा, बजाज एलियंस होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, W. Taylor, ठीक है, उनको लगता है हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, W. Taylor, ठीक है। डिसीजन इज एडवांस व्हाट टू डू हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, इस क्या आता है, प्लानिंग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी इज ए पावर टू एक्ट, हाइडर द पोस्ट हायर इज द अथॉरिटी, अथॉरिटी इज राइट टू कमांड, इसमें जो है कौन सा गलत है, तो गलत क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। विच ऑफ द एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ गुड प्लान, कौन सा इसमें रीजन जो है सो गुड अच्छे प्लान का भी जो है फेलियर होने का कारण होता है, तो अनसफिशियंट डाटा, लीक ऑफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों अगर आ जाए तो क्या होगा, कोई भी जो है सो गुड प्लान भी क्या होता है, फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन वेरीफाइंग यूनिफॉर्मली विद द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड टास्क, तो क्या होगा, कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्वाइंट स्टेक कंपनी इन इज इनकोरेक्ट, इसमें क्या होगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मिनिमाइज वेज इन needed to the paid in cash, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सेफ वर्क प्लेस लेआउट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता है, इनफ हाइट ऑफ वर्क रूम्स, मतलब देखिए जहाँ पे भी जो सेफ जो होता है एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं अच्छा जगह खोजते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सेपरेट स्टोर जो हो सर क्या हो, इनफ हाइट जो हो बहुत ऊंचाई हो। सेफ्टी मैनेजमेंट डील्स विद, सेफ्टी मैनेजमेंट कहाँ काम करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है, ऑप्शन डी। सेफ्टी प्रमोट करता है किसको, रिसर्च को, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिक्स्ड कैपिटल को और क्या कहा जाता है, ब्लॉक कैपिटल। क्वेश्चन 57, द फर्म टाइप ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड इज, फर्म टाइप जो होता है बजाज ऑटो को उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज मेथड ऑफ बाइंग गुड्स बाय मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डैश इज द मेथड ऑफ बाइंग गुड्स बाय मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा जो है सो मेथड होता है खरीदने का जिसमें जो इंस्टॉलमेंट के द्वारा हम पैसा चुकाते हैं, तो ये होता है बैंक लोन, हेयर परचेज,
सेवन लेस बैक, ये जो है चार ओम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिबेंचर्स आर इंक्लूड इन डैश सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या होता है लॉन्ग टर्म, डिबेंचर्स जो में इंक्लूड होता है क्या, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश आर द टर्म यूज टू इंडिकेट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रपोज ऑफ सेल पेन, क्या होगा तो परचेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम 60 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।